हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं फीमेल सुपरवाइज़र के बारे में कि किस तरीके से ये आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होती है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, वैकेंसी कब आएगी और जितनी भी डिटेल्स है सिलेबस को लेकर हो, क्लासेस को लेकर हो, उसके बारे में आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्टली, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहें। ओके, सो हम लोग जो बात करने वाले हैं 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो रूल बुक है उसके बेसिस पर बात करने वाले हैं, क्योंकि हाल फिलहाल ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका आया नहीं है, लेकिन अभी जो आपकी एग्ज़ाम चल रही है जैसे एमपीटेट ग्रेड वन हो गया है तो इसका हम लोग बात करें, एडमिट कार्ड आ चुका है तो अभी थोड़े दिन में इसका एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका एमपीटेट ग्रेड टू है, एमपी कांस्टेबल है और इसी के बाद जस्ट दो वैकेंसीज आपकी निकलने वाली है, जिसमें से सबसे पहली रहेगी आपकी फ़ीमेल सुपरवाइज़र और उसके बाद आपकी रहेगी यहाँ पर एमपीटेट ग्रेड थ्री। ठीक है, तो उसकी प्लानिंग आपको अभी से करके चलनी पड़ेगी क्योंकि सिलेबस इन दोनों का ही काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी चीज़ें जो है डीप में पूछी जाती है, तो तैयारी के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो आप अभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। तो ये 2017 का नोटिफिकेशन है और रूल बुक है, उसी के बेसिस पर आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये केवल फ़ीमेल के लिए होती है, तो केवल फ़ीमेल ही इस फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकती है। और अगर नागरिकता की बात करें तो आप एमपी के हैं तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को फिल करेंगे और आउट ऑफ एमपी के स्टूडेंट भी यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वो स्थायी निवासी वाला ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहेगा, कोई भी इस फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकता है। एज क्राइटेरिया में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है कि अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और फीमेल में अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट आपकी यहाँ पर 45 हो सकती है। दैट मीन्स 18 से 45 तक के स्टूडेंट जो है इस फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। 18 से 45 साल तक के स्टूडेंट जो है आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और अगर आप मध्य प्रदेश के नहीं हैं तो फिर एज लिमिट में जो क्राइटेरिया है आपके लिए 35 ईयर का रहेगा। ठीक है, ये इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से आते हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट 45 है और आउट ऑफ एमपी के लिए 35 है। और फीमेल में अगर हम लोग बात करें, अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से आते हैं, एससी एसटी और ओबीसी इस कैटेगरी से आते हैं, तो भी एज लिमिट आपका 45 रहेगा और अदर में आपका 35 रहेगा आउट ऑफ एमपी। ठीक है, और ये यहाँ पर कुछ स्पेस छोड़ रखी है, दैट मींस कि इनके लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज होंगे, कुछ कंडीशंस होगी। अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके लिए पूरा पीडीएफ हम लोग आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐप पर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर आप एस में से किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 4, 5, 6 से, तो एक बार आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। ओके, और इसके अलावा फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर बात करें सिलेबस की, सिलेबस यहाँ पर क्या रहने वाला है। सिलेबस आपका 200 नंबर का रहेगा। ठीक है, टोटल जो पूरा पेपर होगा आपका 200 नंबर का रहेगा। चार सेक्शन इसके अंदर रहेंगे, दो सेक्शन आपके 55 नंबर के होंगे, 55 के दो हो गए, और दो सेक्शन आपके रहेंगे 45 के। ठीक है, तो इस तरीके से 200 नंबर का पूरा पेपर होगा, चार सेक्शन इसके अंदर होंगे और 3 घंटे का ये पेपर रहेगा और कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सिलेबस का जो फर्स्ट पार्ट है वो रिलेटेड है आपका पोषण और स्वास्थ्य से, दैट मींस हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं। इसके भी 7 चैप्टर्स यहाँ पर मेंशन करे गए हैं। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट जो चैप्टर है वो क्या है, पोषण से रिलेटेड, दैट मींस कि भोजन कैसा होना चाहिए, जो आप साइंस के अंदर पढ़ते हैं कि स्वस्थ शरीर के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती, कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है, उनका पूरा बेसिक आपको इसके अंदर पढ़ना है। 10 नंबर में ये पूरा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप में आप पूरा इसको एक चैप्टर मान सकते हैं। सेकंड आपका आएगा जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, जस्ट लाइक एडोलसेंस में, चाइल्डहुड में, इन्फेंसी स्टेज में जो है पोषण किस तरीके से होना चाहिए, उनकी देख रेख कैसे करनी चाहिए, ये वाली सारी चीज़ें। तो ये पूरा आपका CDP का चैप्टर हो गया, है ना, जो CDP में चाइल्ड डेवलपमेंट में आपने सारी चीज़ें पढ़ी थी एमपीटेट ग्रेड 1, 2, 3 के अंदर, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो अभी से आप तैयारी सिर्फ इसी की कर रहे हैं, फीमेल सुपरवाइज़र और एमपीटेट की, तो ज़रूर से वापस से CDP को पढ़ना स्टार्ट कर दें, है ना, क्योंकि CDP में कई सारी चीज़ें होती है, तो इसको सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये गर्भवती की कैसे देखभाल की जाए, ठीक है, क्या क्या टेस्ट वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद टीकाकरण की जो प्रोसेस होती है, वैक्सीनेशन के कितने टीके लगते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें। ओके,
फिर स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, दैट मीन्स जितनी भी यहाँ पर स्कीम्स लॉन्च की गई है जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है, उनके बारे में सारी जानकारी, वो कब लॉन्च हुई थी, किसने बनाई थी, इसके क्या फ़ायदे हुए, है ना, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। 6 नंबर में आपसे ये पूछा जाएगा, दैट मीन्स 6 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो उस हिसाब से आपको पूरी तैयारी करनी है। फिर कुपोषण से रिलेटेड यहाँ पर बात हो जाएगी, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन के, अगर ये नहीं किया तो उसके क्या परिणाम यहाँ पर हो सकते हैं, उससे बचने के क्या क्या उपाय यहाँ पर हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और 7th नंबर का जो चैप्टर है ये पूरा आपका हेल्थ से रिलेटेड रहेगा, डिसीज से रिलेटेड रहेगा, क्या क्या बीमारियाँ होती है, इन जनरल से जितनी भी बीमारियाँ होती है उन सब के बारे में आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, क्योंकि 8 क्वेश्चन यहाँ पर इससे पूछे जाएंगे, तो टोटल 55 नंबर का ये पूरा पेपर हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट जो आएगा ये भी आपका 55 नंबर का रहेगा, इसमें भी 6 सेक्शन आपके रहेंगे। सबसे पहला सेक्शन आपका रहेगा कि यहाँ पर जो महिला और बाल विकास विभाग है इसने कितनी स्कीम्स लॉन्च कर रखी है, आदिवासी विकास के लिए क्या क्या योजना है, तो ये आपका एक जस्ट की स्टैटिक जीके हो गया, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स यहाँ पर हो गया, इसमें ये सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं जो भी अपने चाइल्ड राइट्स हैं, बच्चों के जो अधिकार हैं, उन सब के बारे में आपको सारी जानकारी होना चाहिए, जैसे आपने EVS में पढ़ी होगी ये सारी चीज़ें, EVS में जो आपका चैप्टर नंबर 2 था, है ना, वो सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है, तो पढ़ा आपने सब रखा है, एम्पिटेड Grade 3 आपने दे रखा है, तो ऑलमोस्ट इसका 90% सिलेबस आपने ऑलरेडी कवर कर रखा है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो एक बार रिवाइज करना आप इनको स्टार्ट कर दें। 3rd चैप्टर शारीरिक संरचना सामान्य ज्ञान, ये आपका पूरा बायो हो जाएगा, ठीक है, बायो से रिलेटेड सारी चीज़ें, हमारा जैसे एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, प्रजनन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, किशोरावस्था में कैसे विकास होता है, प्राथमिक उपचार, अभी एम्पिटेड Grade 2 में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है इससे पूछे गए प्राथमिक उपचार से, तो वहाँ से भी आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बाकी इसकी क्लासेस जो है आपकी मंडे मॉर्निंग से स्टार्ट हो ही रही है, तो वहाँ पर भी अपन सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। इसमें आपसे 7 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसका आइडिया आपको प्रीवियस पेपर से लग सकता है, पटवारी की जो एग्ज़ाम हुई उसके पेपर से भी आपको आइडिया लग जाएगा, कंप्यूटर के बिल्कुल बेसिक शॉर्ट कीज़ वगैरह इसमें पूछी जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जनरल मैथ्स आपसे पूछा जाएगा, बेसिक मैथ्स जिसमें परसेंटेज वगैरह, रेशियो, है ना, प्रॉफिट लॉस, इसकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और फिर आपका आ जाता है रीजनिंग, रीजनिंग के इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो ये टोटल 55 नंबर का आपका बेसिक रीजनिंग सेक्शन रहेगा, रीजनिंग प्लस GK, ओके। फिर 3rd जो सेक्शन है वो आपका जनरल मैनेजमेंट का रहेगा, जो कि रहेगा 45 नंबर का, इसमें थोड़ी सी मेहनत करना पड़ सकती है क्योंकि इसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछी जाती है, और 45 नंबर में दैट मीन्स अच्छा खासा वेटेज इसका रहेगा। अगर आपने MP पटवारी का एग्ज़ाम दिया है तो उसमें आपने मैनेजमेंट पढ़ाई होगा, है ना, तो उसी को थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाकर हमको पूरा ये मैनेजमेंट कवर करना है, ठीक है, तो वो हम लोग अपनी क्लासेस से कवर कर लेंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका 4th सेक्शन जो है, ये भी 45 नंबर का, ये कंप्लीट चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये 45 नंबर में पूरा आपसे चाइल्ड डेवलपमेंट पूछने वाला है, जिसमें चाइल्ड का जो स्टार्टिंग डेवलपमेंट होता है, प्री नेटल डेवलपमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी, ग्रोथ डेवलपमेंट आ जाएगा, हेरिडिटी इन्वायरमेंट आ जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और शाला पूर्व शिक्षा का परिचय, दैट मीन्स इनिशियल स्टेज पर बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, उसका सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, फिजिकल सारे डेवलपमेंट किस तरीके से होना चाहिए, क्रिएटिविज्म क्या होता है, एस्थेटिक सेंस कैसे डेवलप किया जाए, ये सारी चीज़ें वो आपसे 12 नंबर में पूछेगा, ठीक है। जो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, उनको कैसे ट्रीट किया जाए, इन बच्चों के लिए क्या क्या स्कीम्स लाई गई है, वो सारी चीज़ें आपसे 10 नंबर में पूछी जाएगी। और लास्ट आपका आ जाता है बाल देखभाल एवं संरक्षण, ठीक है, तो बच्चों के साथ कितनी बीमारियां होती है, जस्ट लाइक जो बच्चों में ही होती है वो सारी बीमारियां, और उनकी कैसे देखभाल की जाए, ठीक है, और क्या क्या योजना इनके लिए बनाई गई है, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना, ये सारी आपसे 11 नंबर में पूछी जाएगी। तो ऐसे करके टोटल ये 45 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये कंप्लीट चाइल्ड डेवलपमेंट है, तो इसका भी आप रिविज़न अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। बाकी मॉर्निंग से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, सुबह 6 बजे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, उसमें हम लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा दिन में 2 बजे आपकी साइंस की क्लासेस हो रही है ऐप पर, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और शाम को 6 बजे साइंस की ही यूट्यूब पर लाइव क्लास होती है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बीच बीच में जो साइंस के पोर्शन है वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी, ओके। और यदि कोई डाउट रह जाता है इसी से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ओके। सो सेशन को ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।